एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए परीक्षा में की दृष्टि से, परीक्षा बहुत आता है इसलिए आप लोग बहुत अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से बहुत आराम से गणित बनेगा, और नहीं अभ्यास करने से भाई नहीं होने वाला है, चाहे वह ऑनलाइन क्लास हो चाहे क्लास हो, अभ्यास नहीं करने से कुछ नहीं होगा, और अभ्यास करने से ऑनलाइन में भी एक नंबर पढ़ाई होगा। इसलिए सब कोई बेर बेर हम कहते जा रहे हैं, और टेस्ट व्यवस्था किए लेकिन किसी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, इसलिए सब कोई कोशिश करें कि टेस्ट एग्जाम भी हो तो उसका जवाब देने की कोशिश करें, फिर इस सप्ताह संडे को फिर टेस्ट एग्जाम निश्चित करेंगे, इसलिए सब कोई पढ़ते रहेंगे, जो पढ़ाई हुआ उसी से देंगे। इसलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख रहे थे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजें बराबर हो, का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया, पाई √3 का मान दिया हुआ है और पाई का मान दिया हुआ है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर, और जितना भुजा होगा भुजा का आधा को त्रिज्या मानकर तीनों में एक एक वृत्त खींचा गया है। यदि ये भुजा 10 है तो त्रिज्या 5, भुजा 20 है तो त्रिज्या 10। तो हम लोग को भी मालूम नहीं कि भुजा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग भुजा निकालते हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 17,320.5, तो 17,320.5, और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5, √3/4 को हम लोग उधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा भुजा स्क्वायर बराबर 4 ऊपर चला गया और √3 नीचे, तो भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 चार के चार और √3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1.73205, उसको भाग देते हैं। अब हम लोग दशमलव हटाते हैं, कैसा हटाते हैं सब एकदम तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऊपर में देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ बढ़ाते हैं, और नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, दशमलव के बाद 5 अंक है तो ऊपर 5 बढ़ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे दशमलव का एगो हटाएंगे उतना 0 ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा हटाएंगे उतना नीचे, तो ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 बढ़ा दिए, और यहाँ 5 है तो ऊपर 5 बढ़ा दिए, 10 कट गया, और ये 17,320.5 दोनों कट गया, तो बच गया 4 में 4 0। अब इधर का भुजा वर्ग है तो भुजा के भुजा वर्ग को उधर ले गए तो रूट हो गया, अब रूट 4 में 4 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 40,000 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 दुने 4, और 4 में 0 का वर्गमूल 2 को 0, तो 200 सेंटीमीटर। इसलिए इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा हो गया 200 सेंटीमीटर। अब बोला है तीन त्रिज्या है, याद रखिएगा एक चीज बतलाने की जगह भूल गए थे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का ये कोण भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब यहाँ तीन त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याखंड, तीन त्रिज्याखंड, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकालेंगे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी यानी भुजा को 2 से भाग, भुजा है 200 को 2 से भाग 100 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, तीन वृत्त है तीनों वृत्त की त्रिज्या हो गया 100 सेंटीमीटर। अब तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कौन तीनों त्रिज्याखंड, 1, 2, 3, तीन त्रिज्याखंड होगा, त्रिज्याखंड होगा तीनों का क्षेत्रफल, तो तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 3 × θ/360° पाई आर स्क्वायर, θ/360° पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 3 × θ का मान यहाँ पर हम बतलाएं 60 डिग्री होता है, 60/360, पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 3.14 गुना आर का मान यहाँ निकालें 100, तो स्क्वायर रेखा के 2 बार 100 × 100, तब क्या करते हैं यहाँ पर 0 0 कट गया, 6 × 36, 3 × 6 = 2, 2 से इसको काटे तो हो गया 50, अब बच गया 3.14 × 100 × 50, तीनों को गुना कर दिए कितना हो गया 15,700, यानी दशमलव यहाँ लगाए तो दशमलव के बाद 0 हटा दिए तो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल से ये तीनों त्रिज्याखंड को हटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 15,700 को माइनस कर दिए तो इससे इसको घटा दिए तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गणित तो है नहीं, अभ्यास करने से तो गणित गणित ही होता है, हार्ड होगा ही, लेकिन बहुत आराम से इसको धीरे धीरे करके अभ्यास करेंगे सबों का बहुत आराम से कम्प्लीट हो जाएगा। बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।